उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर जहां हड़कंप मचा हुआ है, वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के प्रभार वाले जिले रायबरेली में जिला प्रशासन भी बर्ड फ्लू को लेकर के सतर्क हो गया है। बर्ड फ्लू को लेकर के पशुपालन विभाग के कर्मचारियों ने बचत भवन में एक बैठक की, जिसमें बर्ड फ्लू को लेकर के तैयारियों पर चर्चाएं हुई। इस दौरान एडीएम प्रशासन राम अभिलाष ने पशुपालन विभाग के सभी डॉक्टरों को बर्ड फ्लू को लेकर के सतर्क रहने को कहा है, जिसके साथ ही बर्ड फ्लू को लेकर के टीम भी गठित करने के लिए आदेश जारी किया है। फिलहाल रायबरेली में अभी तक बर्ड फ्लू का केस नजर नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से पूरे मामले को ले गंभीरता से लेकर के एडीएम प्रशासन राम अभिलाष ने बताया कि बर्ड फ्लू को लेकर रोकने के लिए हमारी जिला स्तरीय कमेटी की बैठक की गई है। जो सरकार की गाइडलाइन दिया गया है उसी के द्वारा निगरानी समिति द्वारा कार्यवाही करेगी। बर्ड फ्लू को लेकर किस प्रकार बैठक की गई, क्या प्रमुख का सवाल है? बर्ड फ्लू को रोकने के लिए जो शासन के दिशा निर्देश दिए गए हैं उसी के क्रम में हमारी जो निगरानी समिति तहसीलवार बनाई गई है उन्हीं का जो समीक्षा बैठक की गई थी और जो दिशा निर्देश शासन के द्वारा दिए गए हैं उसका अनुपालन करने के लिए पूरी तरीके से सजग किया गया है और हम लोग इस पर सतत दृष्टि रखेंगे कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न हो और कि जनमानस में भी इसकी रोकथाम बनी रहे।